रायबरेली जिले में इन दिनों जिले में दबंगों के उत्पात मचाने का प्रतिदिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात तो अब आम हो चुकी है। अगर बात करें नसीराबाद थाना क्षेत्र की तो यहां पर दबंग उत्पात मचाने में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं खाते, हालांकि हो भी क्यों ना। दबंग जानते हैं कि साहब के रहमो करम से घटना को अंजाम देने के बाद भी इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक ऐसा दबंग परिवार जो कि भूमि विवाद के चलते एक परिवार पर इस कदर कहर बनकर टूटा कि उस परिवार के परिजन बीती 22 जून से लेकर अब तक जिला अस्पताल में दर्द से कराह रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद अचंभा तब होता है जब नसीराबाद की पुलिस अब तक दबंगों के गिरेबान तक नहीं पहुँच सकी। यह पूरा कृत्य नसीराबाद पुलिस की कार्यशैली पर कई तरह का सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल पूरा मामला बीती 22 जून सुबह लगभग 10 बजे का है, जहां थाना नसीराबाद क्षेत्र में पूरे गंगा बिरनावा गांव की निवासिनी पीड़िता पूजा देवी पत्नी प्रमोद तिवारी ने बताया कि गांव के ही राघवेंद्र उर्फ पंकज, शिव पूजन उर्फ सत्येंद्र, कौशलेंद्र व चंद्रभान ने प्राथमिक की पुस्तैनी भूमि को लेकर बेवजह विवाद शुरू किया और विरोध करने पर लाठी डंडों से लैस हो ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिस पर परिवार के ही कई लोग पूरी तरह से लहूलुहान हो गए। किसी तरह दबंगों के कहर से भागकर जान बचाई व घटना को अंजाम देते ही दबंग मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा दबंगों के विरुद्ध जानलेवा हमले की धारा न लगाकर मामूली धाराओं में ही मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों का बचाव किया जा रहा है। अब तक पीड़ित परिवार जिला अस्पताल में दर्द से कराह रहा है, वहीं नसीराबाद पुलिस दबंग के गिरेबान पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। पीड़िता ने एसपी की चौकट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। विराट 24 के लिए रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मनोज तिवारी। क्या मामला है आपका? मामला जमीन का, घर का मामला है। क्या बात हुई थी, पूरी बात बताएं। बात हुई थी सर, मैं घर पे बैठा था, घर के बाहर वहाँ पे हमारी भैंस बांधी थी, भैंस को जो पाल्टी दूसरी वाली है चाचा का लड़का, वो भैंस को आके मारने लगा, खोल के भगा दिया। फिर हम सब वहाँ बैठे थे, हम सब बोले भैया क्यों मार रहे हो, तो हमको सबको ज़बरदस्ती मारने लगे। पहले गए अंदर लेके घर के मेरे, वहाँ मारे हमको सबको खूब, 10-15 लोग थे। फिर गए लेके अपने घर, वहाँ ताला बंद करके बहुत मारा हमारे सबको, गांव के आदमी आए तो छोड़ा। बंद करके मारा? जी सर, जी सर। किसको मारा है? सबको मारा सर, भाई को, औरत को, लड़की को, सबको सबको मारा है। हाँ साहेब, सबको मारा है। हाँ साहेब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा देवी है। आप क्या लगती हैं उनके, उन्होंने मारा है आपको? हमारा देवर हैं, ससुर हैं। देवर और ससुर? हाँ, सबको मिलके मारा। हाँ, सबको मिलके मारा है। और किसको किसको मारा है? आँख पे भी चोट लगी, पैर पे भी लगी, ये पैर पे भी है, पैर पे भी है, ये इधर भी है, पैर पे फुल पे मारा है, बहुत मारा अंदर करके। उनकी लेडीजे भी मारा है, वहाँ पे लेडीज भी थी, उनकी लड़की थी, बहू थी, सारे ने मिलके। घर की औरतों ने भी मारा? हाँ जी, हमको अंदर कर लिया कमरे के अंदर, कमरे के अंदर फरसा से और उससे राड से सब। पुलिस एफआईआर कराई थी कि नहीं कराई? हाँ कराई थी, कराई थी। क्या कोई सुनवाई वगैरह? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं। 22 तारीख की हादसा है, अभी तक तो वो नहीं पकड़े गए।